हाय दोस्तों, मैं हूँ परमेश मलगोंड, एचआर प्रोफेशनल मेंटर एंड ट्यूटर। अब मैं आपको इंग्लिश ग्रामर एंड हिंदी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। ये क्लास फोर है और पिछले क्लास में, क्लास थ्री में मैं आपको प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाया था। अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखा रहा हूँ। और मैं आपको पास्ट टेक्निक बोला था, वो टेक्निक क्या है कि वोकैबुलरी मीन्स शब्दों का अर्थ ढूंढ लेना और इंग्लिश में पढ़ना, लिखना, सुनना, बात करना, ये पांच टेक्निक आप करना कंपलसरी। और एक बात क्या बोले तो, जब भी हम क्या भी ट्राई करते हैं हम सीखने के लिए, तब हमारे को थोड़ा टेंशन आता है, लेकिन दिल मन नहीं लगते। ओके, अब सपोज क्रिकेट देखने के लिए, हाँ क्या भी हमारा एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, तो कितना भी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा भी हम बैठ के दे सकते हैं, लेकिन कौन सा भी हम सीखना है तो थोड़ा हमारे को थोड़ा मन नहीं लगता है, थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। जब हमारे को तकलीफ हो जाएगा, जब भी हम इंटरेस्ट देख के हम पढ़े, तो एक दिन आराम से ईजी हो जाते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब मैं दूसरा दूसरा नेक्स्ट क्लास सिखाता हूँ, तब तक आप क्या कीजिए, पिछले क्लास का आप रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जब आपको ईजी हो जाएगा। एक ही बार, दो बार, तीन बार आप अंडरस्टैंड करने के बाद वो आपको परफेक्ट नहीं आता, रिविजन कीजिए। आप जब तक आपको परफेक्ट नहीं आता, तब तक रिविजन कीजिए, रिविजन कर दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तब आप परफेक्ट हो जाएगा। आप ये वीडियो अंत तक देखिए, और ये वीडियो आपको पसंद आ गए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स को, दोस्तों, क्लासमेट्स को, रिलेटिव्स को, उन्हें भी इसका फ़ायदा उठा लेगा। सो लेट्स गो फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों, मैं अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस सिखाऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है कि अब मैं कंटिन्यू काम करते ना, उसको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हम क्या भी कंटिन्यूस से करते हैं, ओके, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसा क्या भी बोलते हैं ना सेंटेंस, ऐसा उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। ओके, अभी कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट भी नहीं हो गया। ओके, अब चालू किया है, कंटिन्यू है, काम कंप्लीट नहीं हो गया। हम डिटेल्स एग्जाम्पल के साथ सीख लेंगे। ओके, मैं आपको बोला था प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में कौन सा प्रोनाउन को कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना, वो हम सीख लेंगे अब। ओके, सपोज प्रोनाउन आई आए तो आप एम हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। सपोज ही सी इट हेल्प प्रोनाउन आया तो आप हेल्पिंग वर्ब इज लगाना पड़ेगा। और वी यू दे हेल्पिंग वर्ब ये प्रोनाउन आया तो आर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद मेन वर्ब रहता ना, लाइक सिंग, ये प्रेजेंट टेंस लगाने के बाद उसको आईएनजी ऐड करना, प्रत्यय रहता ना, सफिक्स बोलते हैं हम इंग्लिश में। ये आपको याद रहना कौन सा वर्ब प्रोनाउन को कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना, और मेन वर्ब कौन सा स्टेट में रहते हैं, क्या प्रेजेंट टेंस रहते हैं, क्या पास्ट टेंस रहते हैं, क्या पास्ट पार्टिसिपल रहते हैं। ये प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस मेन वर्ब होते हैं, उसको आईएनजी सफिक्स ऐड किया तो सिंगिंग होता है। सपोज सिंग बोले तो सिंगिंग हो जाता है। ओके, हम एग्जांपल के साथ सीख लेंगे, चलो देखेंगे अब डिटेल्स। पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस सीख लेंगे। ओके, मैं आपको बोला था कौन सा भी सेंटेंस क्रिएट करना है तो क्या हम याद रखना, हम सब्जेक्ट याद रखना, ओके, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब तो कौन सा सेंटेंस टेंसेस में आते हैं, कौन सा टेंसेस में नहीं आएगा, इसलिए अब ये भी याद रखना हेल्पिंग वर्ब कहाँ आते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आते हैं, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। ओके, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस सीख रहा है, हम मैं ये पढ़ूंगा, उसके बाद आपको इसका अर्थ बोलूंगा मैं। ओके, आई एम सिंगिंग ये सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। ओके, जब हम प्रोनाउन आ जाएगा, आई एम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, और प्रोनाउन ये प्रेजेंट मेन वर्ब होता ना, ये मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना। ओके, इसका काइंड तीन मेन वर्ब तीन टेंस में रहता ना। सपोज सिंग बोले तो सिंग सैंग सिंग प्रेजेंट टेंस, सैंग पास्ट टेंस, संग पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट टेंस में रहना, इसको हम आईएनजी सफिक्स ऐड करना। ओके, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, इधर एक एग्जाम्पल है, वह भी पढ़ेंगे हम कन्नड़ में, इधर इधर हिंदी में है। मैं दूध पी रहा हूँ। ओके,
आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, अब हम दूसरे भी पढ़ेंगे। वी को आर लगता है, यू प्रोनाउन को आर लगता है हेल्पिंग ऑफ, ही शी इट को इज हेल्पिंग ऑफ लगाना, और दे प्रोनाउन को आर हेल्पिंग ऑफ लगाना, और ये मेन वर्ब होता है ना ये प्रेजेंट टेंस में रहना, उसको हम आई एन जी सफिक्स ऐड करना। ओके, हम सभी पढ़ेंगे अब। वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इट इज सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, ये हम मैं आपको स्लो पढ़ के दिखाया, अब फास्ट कैसे पढ़ेंगे। ओके, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ही सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इट इज सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसा पढ़ना फास्ट। ओके, थोड़ा स्टार्टिंग पढ़ते वक्त हल्लू पढ़ना, आपको अंडरस्टैंड हो जाना। अब हम सीख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड। ओके, देन मेन वर्ब, मेन वर्ब को हम आईएनजी लगाना सफिक्स, और ऑब्जेक्ट। ओके, आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गा रहा हूँ। ओके, वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इट इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, अब फास्ट पढ़ेंगे। I'm not singing a song, we are not singing a song, you are not singing a song, he is not singing a song, she is not singing a song, it is not singing a song, they are not singing a song. Okay, let's go for learning interrogative sentence. Question ka sentence seekh lenge hum. Question ka sentence mein kya lagta hai pehle? WH bole to kaun sa bhi shabd question puchte hai na hum, why, what, where, how, उसमें डब्ल्यू एच रहते हैं वो शब्द, उसकी वजह से हम ये डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं हम। ओके, ये डब्ल्यू एच वर्ड पहले रहना, क्वेश्चन पूछते ना वो पहले रहना, बाद में हेल्पिंग ऑफ। ये पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के बाद आते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यस आर नो सेंटेंस में फर्स्ट डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, बाद में हेल्पिंग ऑफ आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउंस, प्रोनाउन और प्रोनाउंस। ओके, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, अब पढ़ेंगे। वाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं हिंदी में आपको अर्थ बोलूँगा। ओके, आप क्यों गाना गा रहा है। ओके, इसका अर्थ ये हो गया, होता है हिंदी में। अब मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ूँगा। वाई इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, Why is she singing a song? Why is it singing a song? Why are they singing a song? Okay? जब you और they pronoun आता है, जब हम are helping verb लगाना, जब he, she, it आता है, जब helping verb is आना, okay? और I को am आना, we को are आना। मैं I और we इधर एग्जाम्पल नहीं लिखा, आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं सेंटेंस, क्योंकि हमारे हम क्वेश्चन नहीं पूछते, इसलिए हम मैं इधर सेंटेंस नहीं लिख क्रिएट नहीं किया आपका, आप क्रिएट करके पूछ सकते हैं। वाई एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग, वाई आर वी सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसा पूछ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यस आर नो सेंटेंस। ओके, यस आर नो सेंटेंस में हम क्या भी क्वेश्चन पूछते हैं हमारा अपोजिट पर्सन को, उसमें यस और नो बोलना पड़ेगा। हम पूछते वक्त हम डिटेल्स से एक सेंटेंस पूछना, अपोजिट पार्टी क्या करना, यस और नो आंसर देना, उन्हें डिटेल्स एक सेंटेंस क्रिएट नहीं करना। हम कैसा करेंगे ये सेंटेंस अब पढ़ेंगे। देखिए, जब हम इंटरगेटिव क्वेश्चन मार्क प्रश्न पूछता था तब डब्ल्यू एच वर्ड आया था पहले, यस और नो को डब्ल्यू एच नहीं आता, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सेम सेंटेंस रहता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, पढ़ेंगे। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, बाद में सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ओके, आपको सब्जेक्ट बोले तो क्या, ऑब्जेक्ट बोले तो क्या, बोले तो मालूम होना पड़े तो आप क्या करना,
मैं क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री सिखाया था ना, वो आप पढ़ लेना तब आपको मालूम हो जाएगा। सब्जेक्ट बोले तो क्या, कौन काम करते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट बोले तो क्या करते हैं उन्होंने, किस किस काम को करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ओके। ये यस और नो में कौन सा स्थिति में रहता है आपको मालूम रहना। यस सर नो सेंटेंस में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब रहता है, बाद में सब्जेक्ट रहता है, बाद में मेन वर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, ओके। पढ़ेंगे हम एक एक। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आप गाना गा रहे हैं क्या, ऐसा पूछना। आप क्या गाना गा रहे हैं, उन्होंने बोलते हैं यस नहीं तो नो, ओके। इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज इट सिंगिंग ए सॉन्ग, आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं फास्ट पढ़ूंगा। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज इट सिंगिंग ए सॉन्ग, आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आपने गाना गा रहे हैं क्या, ऐसा पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं आपको सिखाया है। आप डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, और आपको क्या तो कन्फ्यूज़ रहे तो कमेंट लिखिए, कमेंट में लिख कीजिए, और अच्छी तरह प्रैक्टिस करके मैं दूसरा दूसरा क्लास भी कंटिन्यू करके मैं आपको सिर्फ ग्रामर ही नहीं सिखाऊंगा, उसके साथ स्पोकन इंग्लिश और दूसरा दूसरा टॉपिक के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा। अब हम कैसा इम्प्रूव होना हमारा करियर में, हमारा स्टूडेंट लाइफ में, पूरा आपको मैं सिखाऊंगा। आप इस ये वीडियो आपको पसंद आ गए तो आप आपके दोस्तों को, क्लासमेट्स को, रिलेटिव्स को, दूसरा दूसरा आदमी को आप शेयर कीजिए, और आपको सब्सक्राइब भी, आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में जाके। क्यों बोले तो मैं आपको ये लिंक फेसबुक में मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप कौन सा भी लिंक रहें दे, आप यूट्यूब में जाके ही देखना पड़ेगा। जब यूट्यूब ओपन करते तब आपको इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब ये फ्री है। और सब्सक्राइब किया तो आपको मैं कौन सा भी वीडियो, टीचिंग वीडियो, मोटिवेशन वीडियो अपलोड किया था, सडनली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आपको ईजी हो जाएगा, आप कौन सा भी वीडियो मिस नहीं करते। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।